कसरौ जनपद की ग्राम पंचायत चिचली में ग्रामीण मंगलवार को ग्राम में बिक रही अवैध शराब की शिकायत को लेकर महिलाओं सहित ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहीं शराबबंदी को लेकर तहसीलदार को शिकायती आवेदन दिया गया है। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम चिचली में अवैध कच्ची व पक्की शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ग्राम में शराब बिकने से कई युवा एवं बच्चे भी इसके आदि होते जा रहे हैं। शराब पीने के दौरान कई घरों में आए दिन विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। शराब को लेकर ग्रामीण परेशान हो गए हैं। शराबबंदी की मांग को लेकर ग्राम पंचायत में भी ग्राम सभा में ग्रामीणों द्वारा शराब बंद करने के लिए प्रस्ताव करवाया गया है। ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से निवेदन कर ग्राम में शराब बंद करवाने एवं शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अभी आपने जो ज्ञापन दिया साहब को, क्या मामला है, क्या किस लिए आए? शराब के लिए। क्या हो गया है? शराब बहुत पीता है और रात भर मारता है और बच्चे उनको भी परेशान और फांसी लगा के हमको मारते। अच्छा, हमारे गांव में शराब कच्ची पक्की। अच्छा, अवैध शराब बिक रही है? अवैध शराब बिक रही है। कहाँ कहाँ बिक रही है? सब झोपड़ी झोपड़ी से बिक रही है पूरे गाँव में। कौन सी चिचली में? चिचली में। हाँ, क्या नाम लिखते हैं आप? थाना भाई। आज ये ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? शराब बंद के संबंध में। क्या है मामला? पूरे गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है, कच्ची पक्की दोनों, और हमारे यहाँ लाइसेंस की दुकान नहीं है, पूरी तरह से अवैध शराब बिक रही है। कौन बेच रहा है ये? करीब 20-25 नाम है। अच्छा अच्छा, इसकी पहले शिकायत की थी आपने? काफ़ी पहले की थी, जब विभाग ने कार्रवाई करके बंद कर दी थी, उसके बाद 5-6 साल से कोई शिकायत भी नहीं हुई और कोई कार्रवाई भी नहीं। फिर अभी और बिक रही है? अभी और बिक रही है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं पूरी तरह शराब बंद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जय सिंह सिसोदिया, उप सरपंच। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत चिचली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।